अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी संडे का दिन है, घर में बैठा हूँ तो मैंने कहा कुछ आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि मेरी क्लास अभी 4:30 होनी है, 2 घंटे हैं, तो आपसे बात करने में कोई अच्छा चलेंगे, कॉल में बाद में करता हूँ। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रियाँ होती हैं, जैसे कि आपको पता है, ये जो हमारे क्वालिटीज़ रिलेटेड एडजेक्टिव्स होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, जैसे ब्रेव पॉजिटिव डिग्री है, ब्रेवर जो है इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, और ब्रेवेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर मैं आपको बताता हूँ कि इन डिग्रियों की यूजेजेस में बड़ी गलती है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज़ है, एक वीडियो में कंपैरेटिव आ जाएगा, एक में सुपरलेटिव आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो 5-7-8 चीज़ें जो मेरे जेन में हैं मैं आपको भी बता देता हूँ, कंपैरेटिव की आज हम बात कर रहे हैं। पहले नंबर पे तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री किस एडजेक्टिव की बननी किस तरह है। ये कुछ 3 तरीके हैं, ये आपके जेन में हो। एक तरीका तो जो बिल्कुल सिंपल है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये वाला कुछ की इस तरह बन जाती है। फिर कुछ ऐसे हैं जिनकी मोर और मोस्ट लगाने से बनती है, जैसे हार्डवर्किंग, मोर हार्डवर्किंग, मोस्ट हार्डवर्किंग, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, दो हो गए। फिर तीसरे कुछ ऐसी पैड़ी शक्ल वाले होते हैं जिनकी किसी भी पैटर्न के बगैर ही बनती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये 3 तरीके हैं। पहली गलती आपने जिसको अवॉइड करना है वो ये है कि आपको पता हो कि एडजेक्टिव की डिग्री सेकंड कौन सी और थर्ड कौन सी है, यानी कंपैरेटिव कौन सी और सुपरलेटिव कौन सी, और कैसे बननी है, एक बात होगी। दूसरी बात, कभी भी जब आप कंपैरेटिव यूज कर रहे हैं तो डबल डिग्री यूज नहीं करनी। He is more braver than Ali. ये गलती है, ये गलती है। He is braver than Ali होगा। डबल डिग्री कभी भी यूज नहीं करनी, दो बातें। तीसरी चीज, कंपैरेटिव का यूज आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में दो चीजों के कंपैरिजन में करते हैं, दो चीजों के, दो लोगों के। अगर चीज़ें या लोग 2 से ज़्यादा हो जाएं तो आप सुपरलेटिव डिग्री पे चले जाते हैं। इसकी एक्सेप्शन है, ये जनरल रूल मैंने आपको बताया, एक्सेप्शन इसकी है। मसलन 2 लोग बैठे हैं मेरी क्लास में, अपने स्टूडेंट्स का नाम ले लेता हूँ, आयशा और समन मेरी 2 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग दैन समन, 2 का कंपैरिजन कर दिया। और अगर मैंने आयशा का कंपैरिजन करना है, ये मैंने वैसी मिसाल दी है, अगर आप स्टूडेंट्स भी मेरी ये बात सुने तो हमें दिल पे ना ले लें, आयशा का कंपैरिजन मैंने अगर बाकी क्लास भी जो 25-30 स्टूडेंट्स हैं उनके साथ करना है, तो मैं ये कहूँगा कि आयशा इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मैं सुपरलेटिव में चला जाऊँगा, यानी 2 का कंपैरिजन करना है तो मैंने कंपैरेटिव डिग्री यूज की, और अगर 2 से ज्यादा का कंपैरिजन करना है तो मैंने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर ली। अब इसकी एक्सेप्शन है, इसी आयशा वाली मिसाल में मैं कंपैरेटिव के जरिए आयशा का कंपैरिजन तमाम बच्चों से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं अल्फाज क्या इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा आयशा इज मोर हार्डवर्किंग, ये कंपैरेटिव फॉर्म है, than any other student of my class। अब आयशा का कंपेरेटिव के जरिए पूरी क्लास से कंपेरिजन हो गया, आयशा इज मोर हार्ड वर्किंग देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। या मैं ये भी कह सकता हूं आयशा इज मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। अब ये अदर का वर्ड लाजमी यहां पर आएगा, एनी अदर या ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, एनी अदर होगा तो सिंगल स्टूडेंट हो जाएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट रूल कंपैरेटिव के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीज़ों का होता है। मसलन मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैंगोज ऑफ मुल्तान आर स्वीटर देन लाहौर। ये जुमला इसलिए गलत है क्योंकि मैंने मैंगोज ऑफ मुल्तान का कंपैरिजन लाहौर से कर दिया। मुझे लाहौर से नहीं, लाहौर के मैंगोज से करना चाहिए था। तो उसकी करेक्शन बनेगी, मैंगोज ऑफ मुल्तान आर स्वीटर देन द मैंगोज ऑफ लाहौर। या दूसरी दफ़ा वाला अगर आप मैंगो अवॉइड करना चाहते हैं तो आप प्रोनाउन लगा सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि मैंगोज ऑफ मुल्तान आर स्वीटर देन दैट ऑफ लाहौर, या यूं भी कह सकते हैं कि मैंगोज ऑफ मुल्तान आर स्वीटर देन दोज ऑफ लाहौर। फिर अगला जो रूल आपको जहन में रखना चाहिए वो ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा आपने देन का इस्तेमाल करना है, फ्रॉम या इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं होते, हमेशा देन का वर्ड यूज़ होता है। अब उसके बाद में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें आपने देन की बजाय टू यूज़ करना होता है जब आप कंपैरिजन में उनको लेके जाते हैं, जैसे सीनियर, जैसे जूनियर, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ एल्डर टू मी, दिस थिंग इज़ सुपीरियर टू दैट, दिस थिंग इज़ इन्फीरियर टू दैट, प्रायर टू माय दिस पोजीशन आई वाज देयर। तो ये इस तरह के अल्फाज जो हैं इनमें हमने देन की बजाय टू का इस्तेमाल कर दिया। फिर कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री होती ही नहीं, बन ही नहीं सकती, ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव। वो कैसे हैं, जैसे राउंड, राउंड मीन गोल। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ उसकी निस्बत ज़्यादा गोल है, दिस थिंग इज़ मोर राउंड या राउंडर देन दैट, क्योंकि राउंड इज़ राउंड। जब आप किसी चीज़ को कहते हैं कि जी ये चीज़ दूसरी से ज़्यादा गोल है, तो उसका मतलब है कि पहली चीज़ जो है ये गोल नहीं है या दूसरी चीज़ गोल नहीं है। गोल का मतलब ही गोल है, इससे ज़्यादा गोल होना मुमकिन ही नहीं है। चौकोर मुरब्बा जिसे कहते हैं, स्क्वेयर, अब मुरब्बा मुरब्बा ही होता है, स्क्वेयर ही होता है, उससे ज़्यादा स्क्वेयर या कम स्क्वेयर होना मुमकिन ही नहीं है। तो ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनकी भी डिग्रियाँ नहीं होती, जिनमें आप कंपैरेटिव में जा ही नहीं सकते। चंद एक मिसालें मेरे जहन में आ रही हैं, राउंड हो गया, स्क्वेयर हो गया, यूनिक हो गया। आप ये नहीं कह सकते दिस थिंग इज़ मोर यूनिक या यूनिकर देन दैट, नो। यूनिक कहते हैं उसको जिसकी जो जो अखीर हो, अल्टीमेट हो। यूनिवर्सल हो गया, परफेक्ट हो गया, एग्जाम्पलरी हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया। तो ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके कंपैरेटिव नहीं बनते। हाँ, ये अब एक और बड़ा इजी तरीका ये कि आप गूगल पे जाके खाली टाइप करेंगे तो पूरी आपको लिस्ट भी निकाल के दे सकता है कि इसके अलावा मज़ीद कौन कौन से हैं जिनके एडजेक्टिव्स हमने नहीं बनाने होते। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात एक सेंटेंस के बीच में एडजेक्टिव्स एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। मसलन आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट दैन समन। अब ये जुमला गलत है क्योंकि इसमें एडजेक्टिव्स दो हैं, मोर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, मतलब सॉरी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दो हैं। अब मुझे इन दोनों को कंपैरेटिव डिग्री में ले जाना पड़ेगा, मुझे ये कहना पड़ेगा कि आयशा इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड मोर हार्ड वर्किंग दैन समन। अदरवाइज अगर मैं ये समझता हूँ कि आयशा इंटेलिजेंट तो ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग ज़्यादा नहीं, तो मुझे इस जुमले का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। जो इंटेलिजेंट वाली बात है उसको अलहदा करके लाना पड़ेगा, इस जुमले से मुझे निकाल देना पड़ेगा। अगर मुझे इस जुमले के बीच में एडजेक्टिव्स रखने हैं, ख्वा दो हों, दस हों, पंद्रह हों, अगर वो कंपैरेटिव फॉर्मेट में कोई जुमला चला गया है, तो उस जुमले में जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे कंपैरेटिव में ही जाएंगे। मसलन मैं ये कह सकता हूँ कि दिस हाउस इज़ मोर ब्यूटिफुल एंड मोर प्रीशियस या मोर मोर नहीं बल्कि लार्जर देन दैट हाउस, मोर ब्यूटीफुल एंड लार्जर देन दैट हाउस। मैं ये नहीं कह सकता कि दिस हाउस इज मोर ब्यूटीफुल एंड लार्ज देन दैट हाउस। मुझे सारे एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव डिग्री में ही ले जाना पड़ेगा। बस यार यही मेरे जहन में आ रहे थे, तो कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।